देखिए एनडीए का जहां तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है, 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि एक दू उससे आगे ही रहेगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में जो सियासी संकट दिख रहा है नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले, और जिस तरीके से विधायकों को एक तरीके से कहें कि अपने साथ रखने की बड़ी चुनौती तमाम दलों में नजर आ रही है, उसके बीच में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से भी जो है विधायक दल की बैठक की गई है। जीतनराम मांझी की आवास पर यह बैठक हुई है, उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चारों विधायक के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद थे, संतोष सुमन। इस मीटिंग के बाद जो है जीतनराम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। जीतनराम मांझी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, जो 128 का आंकड़ा दिया गया है उससे ज्यादा ही विधायक होंगे, कम होने का सवाल नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। बता दें कि नीतीश सरकार कुछ ही घंटों के बाद 12 फरवरी को जो है फ्लोर टेस्ट के लिए जो है विधानसभा में पहुंचेगी, और इसके ठीक पहले विधायकों को अपने पाले में रखने को लेकर के तमाम तरह के जो सियासी एक तरीके से जोड़ तोड़ का गणित है वो दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के विधायक जहां पटना पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर करीब 24 घंटे के ज्यादा वक्त से नजरबंद करके रखा गया है। इसके साथ साथ जदयू के विधायक पहुंच नहीं रहे हैं, तो बीजेपी अपने विधायकों को लेकर के पटना पहुंच गई है, सीधे गया से। ऐसे में बिहार में क्या होगा, कौन जीतने जा रहा है इस पूरे इस संग्राम को, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतनराम मांझी जिनके पास कुल 4 विधायक हैं, और जीतनराम मांझी को लेकर के जो है तमाम तरह की अटकलें खबरें चल रही थी, जीतनराम मांझी पलट सकते हैं आखिर वक्त में, अगर ऐसा होता है तो नीतीश सरकार के ऊपर जो संकट है वो और गहरा सकता है। लेकिन जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से मीटिंग के बाद ये ऐलान किया है कि किसी भी सूरत में एनडीए का साथ छोड़कर के वो नहीं जाने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतनराम मांझी, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको उनका पूरा बयान। देखिए एनडीए का जहां तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है, 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि एक दू उससे आगे ही रहेगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किए हैं कि 2024 में बिहार में जो एक सीट कम था, पहले 39 था, 40 के 40 सीट पर जीतने के लिए वो एक प्रयोग किया गया है, और वो प्रयोग में सफल है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कहा जाता था कि एक विधायक शायद चुप हैं या बदल सकते हैं, लेकिन देखे क्या समय आ गया था, बुलाए थे 6 बजे बैठक, सब लोग हाजिर हम लोग हैं। उसी प्रकार से हमारे एनडीए के, चाहे भाजपा का हो या और तो कोई है नहीं, भाजपा ही हैं, जदयू हैं और हम लोग हैं, तीनों पार्टी के सभी विधायक, कोई विधायक इधर नहीं होने वाला है। सब आप देखिएगा कि कल 11 बजे विधानसभा में सब हाजिर हैं। अपने